अस्सलामु अलैकुम दीगराने हजरत। चांद मुबारक हो मेरे चांदनी से सब्सक्राइबरों को। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे एक कमेंट आया किसी गैर मुसलमान भाई का। What? You are not Muslim, that's why not interested in your channel. जिस दिन ये जाहिल लोग पढ़ लिख लेंगे ना, उस दिन हमारा देश आजाद हो जाएगा। ये क्या है भाई, आजकल हिंदू मुस्लिम का लफड़ा चलते रहता है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। पहले मेरा देश ऐसा नहीं था भाई, पहले तो बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे हम लोग। पता नहीं 2014 के बाद क्या हो गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। बहरहाल ईद आ चुकी है तो सबको ईद मुबारक दोस्तों। और इस पाक महीने के इस पाक त्योहार में मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों को ईद मुबारक देना चाहता हूँ। ईद मुबारक। थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया मैं। ईद का दिन, बिरयानी का सीन और सभी का एक ही ड्रीम, प्लेट फुल, पेट फुल और ईदी लेकर के जेब भी फुल। This is business. और जो ईदी नहीं देता है वो सबसे बड़ा ब्लडी फुल। यार ये ईदी का सुन करके मुझे रोना आ गया यार। मतलब आज तक मेरा बचपन गुजर गया, मैं बड़ा हो गया, मैं जवान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज तक मेरे खानदान वालों से मुझे ईदी तक नहीं मिली। और जो ईदी नहीं देता है वो सबसे बड़ा ब्लडी फूल। पैसा कहाँ बसता है रिश्तेदारों, है ना? या। तो आओ चलो गले मिल करके दिल के मैल साफ करते हैं तुम्हारे। नो। इंडिया में तो भैया ईद के वक्त हर मुसलमान के घर में सेवइयां बनती है, जिसका बहुत ही तगड़ा क्रेज देखने मिलता है इंडियन लोगों में। मेरी कुछ नॉन मुस्लिम सखी सहेलियां तो पूछती भी है कि तुम लोग सेवइयां बनाते कैसे हो बे, और मैं बस एक ही जवाब दे पाता हूँ उन लोगों को। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब मेरे को क्या ही पता, अपने को तो बस खाने से मतलब है। एक बारी मैं ईद के दिन अपने दोस्त के घर गया हुआ था। उन सालों ने मुझे स्टील की कटोरी में सिवैया दे दी। बताओ कितनी बात हुई, शर्म आनी चाहिए यार। अगर आप लोग भी त्योहारों में स्टील के बर्तन यूज करते हो तो कोई बात नहीं यार, मेरे पास सोल्यूशन है। सो आई एम प्रेजेंटिंग टू यू हेवनली होम गुड्स के ऑनलाइन स्टोर को, जो कि प्योरली इंडियन वेबसाइट है दोस्तों, जहां पर आप लोगों को आपकी किचन के यूनिक आइटम्स जैसे कि जूस मेकर बॉटल, किचन में गर्मी होती है तो ब्लेडलेस एयर कूलर, अट्रैक्टिव कॉफी मेकर जो कि सिर्फ मेरे जैसे होशियार आदमी लोग यूज करते हैं, तो ऐसे ही कुछ किचन के यूनिक एक्सेसरीज से लेकर घर को सजाने के लिए सारे डेकोरेटिव सामान, और आप लोग कुत्ता बिल्ली पालते हो तो उनके लिए भी, और आपके प्लांट्स एंड गार्डनिंग्स के लिए भी सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी यहाँ पे। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट भी देखने नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? वैसे वैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू परचेज नाउ फ्रॉम हेवनली होम गुड्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अभी ऑफर भी है ईद का, जल्दी जल्दी जाके खरीद लो, 35% ऑफ है, नहीं तो फिर जल्दी जाके खरीद। देखो भैया, हर अच्छी चीज को पाने के लिए तकलीफ तो झेलनी पड़ती है, जैसे कि ईद तक पहुंचने के लिए 30 रोजे रखने पड़ते हैं। वैसे ही मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ यार, यूट्यूब पर व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं आते, मैं भी अपना ईद का वेट कर रहा हूँ अपने करियर में, ईद का न जाने कब आएगा वो दिन। आप लोग सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों को मैं और मेरी बातें पसंद आती है तो, और बेल आइकन भी दबा के जाना। ईद में कपड़े सिलवाने तो भैया एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं होती। What? क्योंकि जो लोग मुझे ईदी नहीं देते हैं, मेरे रिश्तेदार, वो सभी लोग सिलाई के काम में, तो मैं क्या ही दिक्कत होती। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। काम मजे ही मजे। किसी भाई का मुझे कमेंट आया हुआ है, यार ये ईद भी बिना जौजा के गुजर गई। जौजा ये क्या होता है भाई? ओ अच्छा, जौजा मानी औरत, बीवी। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफ है ना। भाई मगर मैं क्यों हंस रहा हूँ तेरे इस हालात पे, शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। क्या कहा तूने, मैं बेरोजगार हूँ? कोई नहीं मेरे भाई, दुखी मत हो, दुखी मत हो जाएगी, तेरी शादी भी हो जाएगी, डोंट वरी, सबर कर, थोड़ा सबर कर, अगले साल या उसके अगले साल तेरी भी ईद तेरी जौजा के साथ तू मनाएगा, ओके, डोंट वरी, ओके, लॉट्स ऑफ लव टू माय सब्सक्राइबर्स। यार ये शादीशुदा लोगों को तो ठीक है, चलो चलता है, मगर ये निब्बा निब्बी लोग ईद में मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के फोटो खींचते हैं और उस पर स्टोरी मारते हैं, लिखते हैं आई गॉट माई ईदी। इवन शैतान भी कंफ्यूज हो जाता होगा कि भैया इन लोग करूँ तो करूँ क्या।
और यार पता ही नहीं चला कब ईदी लेने से लेकर के ईदी देने तक की उम्र आ गई। मगर मैं कैया आदमी नहीं हूँ, बाकी की तरह मैं ईदी दूंगा अपने से छोटे आदमी को, मतलब बच्चे को, अपने छोटे बच्चों को ईदी दूंगा। ठीक है, आज तक सबसे हाईएस्ट ईदी तुम लोगों को कितनी मिली है मुझे कमेंट सेशन में बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे सब्सक्राइबरों में सबसे अमीर कौन है। और यार तुम लोगों की फेवरेट ईद कौन सी होती है, ये वाली ईद या बकरी ईद? मेरी तो भैया दोनों ही फेवरेट होती है, क्योंकि बस पैर पसार करके खाना ही तो। ऐसा मत करो मेरी जान। चलो गाइज आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल अवर बिलव्ड सब्सक्राइबर्स। ईद मुबारक आप सभी को, और सबसे बड़ी ईद मुबारक तो उन लोगों को जिन्होंने 300 के 300 रोजे रखे हैं इस रमजान में, क्योंकि दोस्तों यू आर द रियल हीरोज, यू आर द रियल चैंप्स। एक बात और बता दूं गाइस, मैंने हाल ही में पाकिस्तानी बॉटल ओपनर पे एक फनी वीडियो बनाई है, आप लोग उस वीडियो को भी जाकर के देख लेना, मैं यहाँ पर पे इस वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके देखना, बहुत मजेदार वीडियो। तब तक के लिए रिमेंबर द नेम हसनैन अंसारी साइनिंग ऑफ टुडे, खुदा हाफिज़, फ़िमानिल शब्बा खैर, मिलता होगा किसी नई वीडियो में दोस्तों, चलो चलते हैं।